जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप फ्रेंड्स चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर डायरेक्टली एक्सक्यूटेबल बाय सीपीयू कि आपका जो सीपीयू है कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ सकता है मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज इन विंडोज एक्सपी व्हाट डज एक्सपी स्टैंड्स दोस्तों आपको बताना है जो विंडो एक्सपी है कब फाउंड हुई दोस्तों ये हुई एक में ठीक है फ्रेंड्स विंडो एक्सपी में एक्सपी कहाँ स्टैंड करता है क्या परफॉर्मेंस की तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एक्सपीरियंस क्या होगा दोस्तों एक्सपीरियंस ये ई यहाँ इस तरह से छोटा होता है दोस्तों ई e, फिर ये एक्स और पी कैप्शन कॉन्सेप्ट्स में होता है मैंने यहाँ को समझाने के लिए इस तरह से लिखा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विंडोज एक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस हुआ था कब 2001 में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि किसके द्वारा ठीक है कौन सी कंपनी थी और किसके द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया विंडो एक्सपी को प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट दी कमांड इज कॉल्ड आपको बताना है प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी आपके सामने दिए गए हैं तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी

junk email is also called it is also most very very most important question hazaron baar sainkdon baar pucha ja chuka hai junk email is also called spam aankh band karke laga dijiyega dosto option number b next question hai friends wo hai aapka the format percentage c is used which data type friends format is percentage c ये C language से संबंधित प्रश्न है मैं आपको बता दूं आपको C language में क्या क्या पढ़ना है पहला ये data type. दूसरा operator. यही दो टॉपिक है ऑपरेटर से संबंधित प्रश्न आएंगे डेटा टाइप से संबंधित प्रश्न आएंगे तो आपको बताना है सी लैंग्वेज में जो ये परसेंटेज सी है ये किस तरह के डेटा टाइप को डिनोट करता है इंटीजर होता है आपका डेटा टाइप करेक्टर होता है फ्लोट होता है डबल होता है तो परसेंटेज डी के लिए आपका सी एच आर ये करेक्टर शो होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंटीजर के लिए फ्लूट और डबल के लिए कौन से डेटा टाइप का यूज किस डेटा टाइप से डिनोट किया जाता है Next question हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है by डिफॉल्ट यू आर डॉक्यूमेंट प्रिंट आपको बताना है जो आपका डॉक्यूमेंट होता है फॉर एग्जाम्पल आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं जो भी आपने लिखा है तो डिफॉल्ट वो किस में प्रिंट होता है कैसे प्रिंट होता है ड़िट, आपका डॉक्यूमेंट आपका पेज तो वो पोर्ट्रेट आप समझ सकते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है अनेकों बार पिछले वीडियो में बता चुका हूं पेज आपका इस तरह से प्रिंट होकर के आएगा तो ये पोर्ट्रेट में कहलाएगा यदि यही पेज आपका इस तरह से प्रिंट होकर के आएगा तो यही पेज आपका लैंडस्केप कहलाएगा तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बीस का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑपरेटर परसेंटेज इन सी लैंग्वेज इज गॉल्ड दोस्तों सी लैंग्वेज में ये ऑपरेटर डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं आपको इन्हें पढ़कर जरूर जाना है एग्जाम में मैंने ऑपरेटर से संबंधित वीडियो पहले ही बना चुका हूं यदि आप फिर से चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा मैं जरूर वीडियो ले आऊंगा ऑपरेटर परसेंटेज क्या कहलाता है ऑप्शन नंबर ए है परसेंटेज ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर एवरेज ऑपरेटर या फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मॉड्युलस ऑपरेटर अब ये मॉड्युलस ऑपरेटर करता क्या है होता क्या है मैं आपको बता देता हूं ऑपरेटर परसेंटेज इज कॉल्ड मॉड्युलस ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इट गिव्स अस आर रिमाइंडर वैल्यू जो आपका ये परसेंटेज ऑपरेटर है ये हमें रिमाइंडर वैल्यू देता है फॉर एग्जाम्पल कैसे आपने डिवाइड करना है आपने फाइव को टू से डिवाइड कर दिया ठीक है फ्रेंड फाइव ये आपने टू से डिवाइड कर दिया तो टू two, टू होते हैं आपके फोर अब आपके पास रिमाइंडर में कितनी वैल्यू बचेगी वन तो जब आपका ये फाइव परसेंटेज uh, ये मॉडुलस बोलेंगे इससे टू आएगा आपकी सी लैंग्वेज में इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका जो आंसर होगा दोस्तों वो वन होगा तो फाइव परसेंटेज टू का मतलब क्या हुआ दोस्तों सी लैंग्वेज में ये वन इसका आंसर आएगा यदि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स एक होता है फाइव डिवाइड तरह से टू तो इसमें क्या होगा दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसे क्या बोला जाता है जो इस तरह का ऑपरेटर लगता है उस ऑपरेटर को क्या बोला जाता है तो इसमें जो आंसर आएगा वो ये वाला दो आएगा ठीक है फ्रेंड्स परसेंटेज में एक आएगा रिमाइंडर वैल्यू आएगी आपके जो इस तरह से डिवाइड वाला ऑप्शन uh, लगेगा तो इसमें ये आंसर आएगा ठीक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप इज अवेलेबल इन सी लैंग्वेज आपको बताना है दोस्तों ये जो लूप है सी लैंग्वेज में कितने तरह के हैं ऑप्शन नंबर ए वन टू थ्री या फिर ऑप्शन नंबर डी फोर ये फोर की स्पेलिंग दोस्तों गलत हो गई ऑप्शन नंबर सी थ्री टाइप्स के होते हैं कौन कौन से होते हैं दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूं आपका पहला होता है फ्रेंड्स वाइल्ड लूप ठीक है नेक्स्ट है डू वाइल्ड लूप थर्ड है आपका फॉर लूप तीन तरह के लूप होते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी में से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा थ्री टाइप्स ऑफ लूप आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी से तो याद रखना है एम एस वर्ड के लिए कौन सी होती है एम एस एक्सल में एम एस एक्सेस में या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 2003 में 2007 के वर्जन के बाद ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है यदि हम एम एस ऑफिस की बात करूं तो उन्हें आपको याद रखना है तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सी डॉट सी एक्सटेंशन नेम है आपके सी प्रोग्राम की फाइल्स को जब आप सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे डॉट सी लगा होता है ठीक है सेवेंटी वन फादर ऑफ सी लैंग्वेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न बता रहा हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका हाउ मेनी की वर्ड्स आर इन सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज में कितने तरह के की वर्ड्स होते हैं तो वो है ऑप्शन नंबर सी थर्टी टू आपको बताना है कितने तरह के की होते हैं सी लैंग्वेज में थर्टी टू बत्तीस इन सी लैंग्वेज इनपुट आउटपुट आपका जो सी लैंग्वेज में है इनपुट और आउटपुट को किस से दर्शाया जाता है क्वेश्चन को पूछा जा सकता है विभिन्न प्रकार से तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्कैन एफ और प्रिंट एफ स्कैन एफ से आपका इनपुट दिखाई देगा प्रिंट uh, एफ को आप आउटपुट से दिखाओगे ठीक है फ्रेंड्स तो जब आपको इनपुट करानी है कोई वैल्यू तो आप स्कैन एफ लिखोगे कोई वैल्यू आपको आउटपुट करानी है तो आप प्रिंट एफ लिखोगे ये है आपकी सी प्लस प्लस के लिए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी की बात करूं ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी लैंग्वेज के लिए जो इनपुट और आउटपुट डिनोट्स करते हैं वो करते हैं स्कैन एफ और प्रिंट एफ से तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वट इज दी रेंज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप आपको बताना है दोस्तों जो इंटीजर डेटा टाइप है मैंने आपको बताया था ना इंटीजर डेटा टाइप होता है क्लेक्टर होता है फ्लोट होता है तो ये विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप है तो इसके लिए वैल्यू होती है असाइन होती है कि इतने से इतने की रेंज आपके इंटीजर की होगी ये जो रेंज है वो आपके डबल की होगी फ्लोट की होगी या फिर कलेक्टर की होगी तो ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी में से कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वट इज the रेंज ऑफ character data टाइप आपको बताना है जो करेक्टर डेटा टाइप की रेंज है वो कितनी होती है इंटीजर की थी ऑप्शन नंबर डी ये ठीक है फ्रेंड्स माइनस बत्तीस हजार सात सौ अड़सठ से बत्तीस हजार सात सौ सतासठ ठीक है फ्रेंड्स ये थी आपकी इंटीजर की यदि बात करें दोस्तों आपके करेक्टर की तो वो है माइनस एक सौ से एक सौ माइनस एक सौ से एक सौ हालांकि इसका आंसर ये भी हो सकता है वो आपके फिर कहा दिखाई देगा जो ये वैल्यू है ये करेक्टर में जो करेक्टर के आगे सब पार्ट होते हैं उसमें आपकी साइंड करेक्टर होता है अनसाइंड करेक्टर होता है तो वहां ये जीरो टू टू फिफ्टी फाइव भी आपकी आएगी टू करैक्टर की जो डेटा टाइप वैल्यू है रेंज है वो है माइनस एक सौ अट्ठाईस से एक सौ सत्ताईस तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो के ये जो प्रश्न आपको काफी काम आएंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए मुझे दीजिए इजाजत चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बाय बाय